अभी अक्टूबर में जो एप्पल का इवेंट हुआ था उसमें एप्पल ने अपने 14 इंचेस और 16 इंचेस के जो मॉडल हैं वो लॉन्च किए थे मैकबुक प्रो के विद M1 प्रो चिप्स, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वापस आई हैं। एप्पल 4 साल पीछे गया है और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बेसिकली मैकबुक में किए गए हैं, ना कि उसके मॉडल में, मतलब हार्डवेयर वाइज या फिर जैसे कैमरा इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो किए गए हैं, जो अच्छे फीचर्स हैं, बट यहाँ पे एप्पल ने एक मेजर स्टेप बैक लिया है जिसमें उन्होंने मैगसेफ ऐड किया है और जो पुराने पोर्ट्स थे HDMI पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड या SDXC कार्ड स्लॉट्स, वो ऐड किए हैं वापस। तो चलिए दोस्तों, अब इस नए मैकबुक प्रो को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है और कैसी रहने वाली है इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको अनबॉक्स। इट्स सरप्राइजिंग टू सी, यहाँ पे एप्पल ने इसके ऊपर कोई पैकेजिंग नहीं दी है, कोई पॉलिथीन नहीं है इस बार। तो ये है जो एप्पल का 16 इंच का मैकबुक प्रो है नया वाला। तो आप देख सकते हैं 16 GB रैम, 512 GB SSD, 16 इंच मैकबुक प्रो, 10 core CPU एंड 16 core GPU, 16 इंचेस विद ऑल द पोर्ट, सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इस बार, थोड़ा सा आई थिंक चेंज किया गया है यहाँ पे जो पैकेजिंग को। तो यहाँ पे इस बार पॉलीथीन ना चढ़ाते हुए, इस पर जो है कवर ना चढ़ाते हुए, यहाँ पे आई थिंक इस तरीके का जो है आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए इसको हटाएंगे हम, ये है हमारे पास यहाँ पे द न्यू मैकबुक प्रो 16 इंच इन स्पेस ग्रे कलर। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको मैकबुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि क्या क्या है उसमें, कीबोर्ड, टच ID, नॉच, और फिर यहाँ पे आपको आगे जाने पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस बार ब्लैक कलर के स्टिकर मिलते हैं यहाँ पे एप्पल के कहीं पे भी लगाने के लिए। चलिए ये सब अब हम वापस रख देते हैं इसमें, इसको साइड में रखते हैं। तब यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी चार्जिंग केबल की या फिर चार्जिंग डॉक, जो भी आप कहें। तो यहाँ पे एप्पल ने कहीं पे भी टेप्स वगैरह कुछ यूज नहीं किया, इस बार कोई प्लास्टिक नहीं है, इवन आउटर में भी कोई प्लास्टिक नहीं है, बस यहाँ पे लैचेस टाइप पेपर से ही बनाए गए हैं। तो अब अगर हम इस बार जो है इसके चार्जर की अगर हम बात करें, तो ये है एक मैग सेफ चार्जर जो कि मैकबुक पे पहले आता होता था। तो दोस्तों यहाँ पे ये है एक मैकबुक में जो आता था पहले मैग सेफ चार्जर, बट ये पुराने वाले मैग सेफ से थोड़ा सा पतला है और इस बार जो है आपको ब्रेडेड केबल मिलती है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग है, जैसा कि iMacs, नए वाले iMacs के साथ उनकी जो केबल आती है वो उसी कलर की केबल आती है। तो यहाँ पे बेटर होता अगर एप्पल इसको स्पेस ग्रे कलर या ब्लैक कलर की केबल देता साथ में। और ये है इसका इस बार का चार्जिंग अडैप्टर, तो ये है 140 वॉट्स का USB-C पावर अडैप्टर। तो ये जो चार्जर है ये फास्ट चार्ज केपेबल है और मैकबुक भी फास्ट चार्ज केपेबल है, तो ये आधे घंटे में जो है 50% तक बैटरी कर देगा ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो ये मैकबुक अभी से ही मेरे को भारी लग रहा है पुराने वाले जो 16 इंच के मैकबुक थे उससे, और ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट। चलिए अब ये है नए वाले मैकबुक की जो है थिकनेस, काफ़ी मोटा है पुराने वाले 16 इंच के मैकबुक प्रोज से, जो अभी मेरे पास इससे पहले था उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये एक HDMI पोर्ट, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, ये SDXC कार्ड स्लॉट, साइड में जो है आपको यहाँ पे वेंट्स दिख रहे होंगे, ये वेंट दिए गए हैं बैक साइड पे भी, ये एयर वेंट एक इस साइड पे भी।
तब यहाँ पे आपको ये 3.5 mm जैक, जो कि अपडेटेड 3.5 mm जैक है, यहाँ पे थंडरबोल्ट फोर पोर्ट और ये मैगसेफ का कनेक्टर। और अगर अब हम नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ये 4 एलिवेटेड जो स्टैंड टाइप मिल रहे हैं, और ये इस बार थोड़े ज़्यादा ऊंचे हैं, थोड़े ज़्यादा थिक हैं। और नीचे की तरफ आपको ये मैकबुक प्रो जो है इस बार एनग्रेव्ड मिलता है लिखा हुआ, तो ये इस बार इसकी बॉडी में एनग्रेव्ड है मैकबुक प्रो, और ये काफ़ी अच्छा टच है। आई थिंक इस बार इसकी रिपेयरेबिलिटी होगी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर, बट लेट्स सी, जो राइट टू रिपेयर का केस चल रहा है देखते हैं क्या रहता है उसका। ये ओपन करते ही जो है ऑन हो गया है, बट हम उसके बाद में जाएंगे। यहाँ पे ये जो इस बार कीबोर्ड आपको मिलता है ये है अपडेटेड मैजिक कीबोर्ड, इसमें जो है आपको फील मिलने वाली है थोड़ी थोड़ी मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी, तो इसीलिए इस बार एप्पल ने इसको अपग्रेड किया। और यहाँ से टच बार हटा दी गई है, ये टच आईडी है, यहाँ से आपकी जो है टच बार हटा दी गई है। तो चलिए अब जल्दी से करते हैं इसको सेटअप और फिर बात करते हैं आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। दोस्तों अगर अब हम यहाँ पे स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिलता है एक नॉच, जैसा कि हर मतलब आईफोन में आता है, बट इस बार इसको मैक में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे एक खास बात है कि जो कर्सर है हमारा ये इस नॉच के थ्रू आर पार हो जाता है, तो ये नॉच के नीचे से भी क्रॉस कर जाता है इसको। तो अब चले कर देते हैं सेटअप। तो दोस्तों साथ ही साथ इसमें काफ़ी चीज़ों को जो है अपग्रेड किया गया, जैसे कैमरा यहाँ पे अपग्रेड किया गया, इसमें स्पीकर सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया गया, कीबोर्ड को अपडेट किया गया। तो चलिए मैं इसको पहले कर लेता हूँ सेटअप और फिर हम लोग बात करते हैं इसके अपग्रेडेशन और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों जब तक ये सेटअप हो रहा है तब तक अगर हम बात करें यहाँ पे इस मैक के फिजिकल एस्पेक्ट्स की, तो ये काफ़ी हद तक जो पुराने वाले मैक्स आते थे उनसे सिमिलर है। यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स दिए गए हैं जैसे कि आपको अपने आईफोन्स में मिलता है, और पुराने जो आई मैक्स आते थे पुराने जो मैकबुक्स आते थे उनकी तरह ये थिक है अलॉन्ग द एजेस, बट ये वाला एरिया भी थोड़ा सा मोटा है, जैसा कि मतलब हम लोग पुराने वाले मैकबुक 16 इंच हमने देखा था, तो ये वाला एरिया काफ़ी पतला था, बट इसमें जो डिस्प्ले का है वो काफ़ी मोटा है उसके कंपेरिजन में। और ये लैपटॉप खुद थोड़ा सा मोटा है, बट ये चलेगा क्योंकि नए पोर्ट्स का एडिशन हुआ जिससे हमें लेस कनेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। गाइज हम लोगों ने अभी इसको सेटअप कर लिया है, तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको नॉच दिख रही है, नॉच जो है पूरी ये अपनी जो मेन्यू बार है इसके अंदर से निकलती है, तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है अभी क्योंकि मैक पे कभी नॉच थी नहीं, बट टाइम के साथ आई थिंक एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है जो मैंने पहले भी दिखाई कि ये जो कर्सर है नॉच के पीछे से होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है, तो आई थिंक इशू नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे सीधे यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है इस सिस्टम में अभी। तो यहाँ पे है अभी वर्जन 2.12.0, अभी सेटअप ख़त्म हुआ है, बैटरी 82% पे है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं डिस्प्लेस, बिल्ट इन रेटिना डिस्प्ले जो यहाँ पे 4K सपोर्ट करती है 16 इंचेस, तो एक्चुअली में 16.2 इंच है, और ये प्रो मोशन सपोर्ट करती है, XDR डिस्प्ले है जो कि 1600 nits की मैक्स ब्राइटनेस तक जाती है, HDR सपोर्ट करती है। डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में अगर हम जाते हैं तो एप्पल XDR डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1600 nits। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हम इस मैकबुक के फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि मैकबुक जो है 12.0 OS के साथ ही है, तो जैसे ही ये OS रिलीज हुई थी नेक्स्ट डे 12.0.1 रिलीज़ हो गई थी, तो अभी हमने अपडेट पर लगाया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्क्रीन जो है प्रो XDR डिस्प्ले है, प्रो मोशन सपोर्ट करती है, 1600 निट की मैक्स ब्राइटनेस तक जाती है। कीबोर्ड जो है यहाँ पे मैजिक कीबोर्ड अपडेट किया गया, ट्रैक पैड जो है काफ़ी बड़ा है इस बार, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे साइज़ में पुराने मैकबुक में जो ट्रैक पैड था उससे। यहाँ पे कीबोर्ड में जो है काफ़ी अच्छे से फील है, यहाँ पे टैप करने पे आपको काफ़ी सही लगता है। और अगर हम साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो ये अभी 3.5 mm जैक दिया गया है ये
अपडेटेड 3.5 mm जैक है। इसमें आपको हाई फिडेलिटी जो ऑडियो होती हैं या फिर जो स्टूडियो मॉनिटर हेडफोन्स होते हैं उनके लिए आपको अलग से एम्प की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एम्प को मैच नहीं करता है ये, बट हाँ आपको अलग से एम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन हेडफोन के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे ये है मैगसेफ, तो जो है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, बस स्पीकर सिस्टम को भी जो है अपग्रेड किया गया है। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑडियो चला के हम लोग देखते हैं क्या है, क्या क्या अपडेशन किया गया है स्पीकर सिस्टम में और कैसा है इसका फीडबैक। तो दोस्तों जो बाइक है मैंने अभी ये पास में रख दिया है यहाँ पे, और अभी हम नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक चलाते हैं। चलिए तो सब करते हैं इस पर रीड और राइट का स्पीड टेस्ट। हमने शुरू किया अभी, तो इसमें 2-3 बार जो है ये इधर उधर चलेगा, तो स्पीड जो आ रही है अभी काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट 4.7 GB और 4740 MBPS, और रीड और राइट स्पीड दोनों ही बहुत ही अच्छी आ रही है इस वाले मैकबुक में। तो जैसा कि अपन क्लेम कर रहा है, आई थिंक द क्लेम्स आर ट्रू। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ ये 100 Wh की बैटरी, तो जब ये लैपटॉप मैंने ऑन किया था तो इसमें 82% बैटरी थी, और अभी ये अपडेट हो चुका है, इसमें इंस्टॉल भी हुआ है 3-4 GB का सॉफ्टवेयर, और उसके बाद रीस्टार्ट हुआ है तो वो पूरा डाउनलोड हुआ है और इंस्टॉल हुआ है, तो अभी ये सिर्फ 77% पे बैटरी रिड्यूस हुई है, अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। हालाँकि अपडेट हुआ और इस पूरी वीडियो में जो मैंने यूज़ किया वही हुआ है। तो अगर हम इसकी सिस्टम रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे पावर है इसके, अभी साइकिल काउंट 2 है, नया है, मैक्सिमम कैपेसिटी 100, स्टेट ऑफ चार्ज आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एप्पल के क्लेम की बात करें तो एप्पल क्लेम करता है अपटू 21 आवर्स का एप्पल टीवी ऐप पे मूवी प्लेबैक, 14 घंटे का वायरलेस वेब ब्राउजिंग, 100 वॉट की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, 140 वॉट का अडैप्टर आता है इसके साथ, और फास्ट चार्ज केपेबल है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फास्ट चार्ज केपेबल है। दोस्तों अब अगर हम इसके ऑडियो अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है विथ 4 कैंसलिंग वूफर्स, यहाँ पे स्पेशल ऑडियो का जो है सपोर्ट दिया गया है डॉल्बी एटमॉस जो बिल्ट इन स्पीकर हैं इसमें उसके साथ ही, और यहाँ पे आपको स्टूडियो क्वालिटी 3 माइक एरे मिलता है, तो इसका अभी जो है रिकॉर्डिंग करके अभी आप इसका सैंपल देखेंगे। दोस्तों ये सैंपल है इस मैकबुक के माइक से, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके वेबकैम से ही रिकॉर्डेड है जो कि वेबकैम भी अपडेट किया गया 1080p, और अभी माइक कैसे साउंड कर रहे हैं, कैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं किया गया। अभी वो ये वेबकैम के बगल में ग्रीन लाइट डाली गई है जिससे आपको पता लगेगा कि अभी वेबकैम जो है वो यूज़ हो रहा है, तो ये एक और बहुत अच्छा हार्डवेयर एडिशन है, और साथ ही साथ आपको कंट्रोल सेंटर में तो नए वाले OS में पता लगेगा ही यहाँ पे क्विक टाइम प्लेयर जो आपका माइक यूज़ कर रहा है, तो इससे मतलब काइंड ऑफ एक अच्छा फीचर है, और सेफ्टी फीचर भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि आपके वेबकैम हैक करके अगर उसे ऑन करते हो तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।